हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं। देखिए, आपने बटरफ्लाई का नाम तो सुना ही होगा, बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा उसका नाम है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई का एक मॉडिफाइड वर्जन है, इसका नाम है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। इसको ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि ब्रोकन विंग बटरफ्लाई आपको कब ट्रेड करनी चाहिए और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्या होती है और इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन की स्क्रीन पर ले आया हूं और 25 अगस्त की सीरीज चल रही है, लेकिन ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कुछ दिन ही बाकी हैं, तो मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं। तो नेक्स्ट सीरीज है सितंबर की, 29th ऑफ सितंबर की जो सीरीज है उसको मैंने लगा लिया है। अब आप देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है, निफ्टी ट्रेड हो रहा है 17750 पे, मतलब 17750 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे मैं आपको एक कॉल बटरफ्लाई को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, कॉल बटरफ्लाई क्या होती है, हम एक ऑप्शन को बाय करते हैं, उससे फर्दर आउट द मनी में जाके दो ऑप्शन को हम सेल करते हैं, और उससे और फर्दर आउट द मनी में जाके और एक ऑप्शन को हम बाय करते हैं। ये जो सेटअप होता है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई दो तरह की होती है, एक कॉल बटरफ्लाई, एक पुट बटरफ्लाई। कॉल बटरफ्लाई में जितने भी जो ऑप्शन होते हैं वो सारे कॉल ऑप्शन होते हैं, और पुट बटरफ्लाई में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे पुट ऑप्शन होते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक कॉल बटरफ्लाई को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17750 पे। तो 17750 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, 17700 का एक कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। मैं यहां पे आपको एक बटरफ्लाई को ट्रेड करके दिखा रहा हूं। तो 17700 का कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम है 472 रुपीज, इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। तो 17700 का मैंने एक लोट बाई कर लिया है और इसके लिए मैंने 472 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। अब ये जो 472 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं, ये मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो ये मैं वापस कैसे ले सकता हूँ, मैंने आपको बता रखा है रेशियो स्प्रेड ट्रेड करके, कि एक ऑप्शन को बाई करके और हम मल्टीपल ऑप्शन सेल करते हैं, और जो प्रीमियम हमने पे किया है मार्केट को ऑप्शन बाई करने के लिए, वो हम वापस रिसीव करते हैं मल्टीपल ऑप्शन को सेल करके। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, जो 472 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं ये ऑप्शन बाय करने के लिए, ये मैं मार्केट से वापस लेने की कोशिश करूंगा। तो 17700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है, इससे मैं ऊपर चलूंगा और 300 पॉइंट आउट द मनी जाके 18000 के कॉल ऑप्शन के दो लोट में सेल कर दूंगा। तो 18000 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 304 रुपीज पे, तो इसके दो लोट में सेल कर दूंगा। तो दो लोट मैंने सेल कर दिए और मुझे कितना प्रीमियम रिसीव हो गया, 608 रुपीज। देखिए 304 रुपीज इसका प्रीमियम चल रहा है और मैंने दो लोट सेल किए हैं, तो मैंने कितना प्रीमियम रिसीव कर लिया, 608 रुपीज। अब आप देखिए, जो ऑप्शन मैंने बाय किया था 17700 का, जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था, इसके लिए मैंने मार्केट को 472 रुपीज पे किए थे, और यहाँ पे दो लोट सेल करके 18000 के कॉल ऑप्शन के, और मैंने 608 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए हैं। तो मैंने मार्केट को 472 रुपीज पे किए थे और मार्केट से मैंने 608 रुपीज वापस ले लिए हैं। तो इन टोटल मैंने मार्केट से 136 रुपीज का क्रेडिट लिया है। 472 रुपीज मैंने मार्केट को दिए थे, 608 रुपीज मैंने मार्केट से ले लिए हैं। तो टोटल मेरा क्रेडिट कितना हो गया, 136 रुपीज का। मतलब अब मेरे पास 136 रुपीज का क्रेडिट है, मैंने मार्केट से 136 रुपीज लिए हैं। तो ये जो क्रेडिट मैंने लिया है इसको यूज करके और मैं हेजिंग बाय करूंगा ऊपर की तरफ। ये हेजिंग मैं क्यों बाय कर रहा हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अभी मेरा पे ऑफ चार्ट ये बन रहा है, ये एक रेशियो स्प्रेड है। मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट दो लोट मैंने सेल कर रखे हैं 18000 के कॉल ऑप्शन के। तो मार्केट अब अगर ऊपर जाता है तो यहां पे मेरा अनलिमिटेड लॉस है और मेरा ब्रेक इवन क्या है, 18436। इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को हटाने के लिए मैं यहां पे एक हेज बाय करूंगा, एक ऑप्शन बाय करूंगा, और ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, और ये पैसा मैं अपनी जेब से पे नहीं करना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी मार्केट से 136 रुपीज का क्रेडिट ले रखा है, मैंने मार्केट को 472 रुपीज ही पे किए थे और मैंने मार्केट से 608 रुपीज रिसीव कर लिए हैं। तो ये जो 136 रुपीज का क्रेडिट मैंने रिसीव किया है इसको यूज करके और यहां पे मैं एक हेज बाय करूंगा, ताकि ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको मैं हटा सकूं। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं, मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, उससे 300 पॉइंट ऊपर जाके और 18000 के कॉल ऑप्शन के दो लोट मैंने सेल किए थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं 300 पॉइंट और ऊपर जाऊंगा और 18300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लोट बाय कर लूंगा और इसका प्रीमियम है 180 रुपीज, इसका एक लोट मैंने बाय कर लिया।
तो 136 रुपीज तो मैंने रिसीव कर रखे थे और इसका प्रीमियम है 180 रुपीज, तो मतलब मैंने 44 रुपीज एक्स्ट्रा मार्केट को पे किए हैं और ये जो 44 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं यही मेरा मैक्सिमम लॉस है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 44 रुपीज का है, पहले ये अनलिमिटेड था जब ये एक रेशियो स्प्रेड था, तो मैंने रेशियो स्प्रेड को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है और अब मेरा मैक्सिमम लॉस आप देखें सिर्फ 2200 रुपीज का है। जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया था उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने पे किए हैं वही ये लॉस है जो 2200 रुपीज का आपको दिख रहा है। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई और ये एक बटरफ्लाई का पे ऑफ ग्राफ होता है। इसमें बीच में आपकी प्रॉफिटेबल रेंज होती है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका लॉस होता है और आपका मैक्सिमम लॉस कितना है सिर्फ 2200 रुपीज का। देखिए बटरफ्लाई में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी कम रहती है लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा खासा होता है। देखिए यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 19% है लेकिन अब आप देखिए आपका मैक्सिमम लॉस है वो 2200 रुपीज का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज का है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी हैंडसम होता है लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो उतनी कम होती है। और ये कम क्यों है? क्योंकि यहां पे आपकी रेंज है ये काफी नैरो होती है। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट 17744 से और 18256 के बीच रहेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 2200 रुपीज का है। तो ये होती है एक स्टैंडर्ड बटरफ्लाई। नॉर्मली लोग बटरफ्लाई तक ही रहते हैं, लोग स्टैंडर्ड बटरफ्लाई को ही ट्रेड करते हैं लेकिन आज मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऐड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्या होती है और उसको आपको ट्रेड करने से क्या एज मिलता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका और ये आपको किस तरह से ट्रेड करनी है। तो देखिए स्टैंडर्ड बटरफ्लाई क्या होती है ये तो आप समझ चुके होंगे, अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन ऐड करता हूं और आपको दिखाता हूं एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। तो देखिए इस बटरफ्लाई में तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो भी आपको लॉस होगा और इस प्रॉफिटेबल रेंज से ऊपर जाता है तो भी आपको लॉस होगा। तो मान लीजिए अब आपका व्यू ये है कि मार्केट यहां से ऊपर कहीं भी जा सकता है, जो प्रॉफिटेबल रेंज है जरूरी नहीं मार्केट इसी रेंज में रहे, आपका व्यू ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो आप ऊपर की तरफ इस बटरफ्लाई को नो लॉस बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे आप इस बटरफ्लाई को कन्वर्ट कर दीजिए एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई में और उससे क्या होगा ऊपर की तरफ ये बटरफ्लाई एक नो लॉस बटरफ्लाई बन जाएगी। तो ये आपको कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पे 17700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था, उसके अगेंस्ट मैंने 18000 के कॉल ऑप्शन के दो लॉट सेल किए थे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 300 पॉइंट का और वही 300 पॉइंट का डिफरेंस ऊपर की तरफ है 18000 जिसके कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं, इससे 300 पॉइंट ऊपर जाकर 18300 के कॉल ऑप्शन का एक लॉट मैंने बाय कर रखा है। तो जो गैप है ये 300 पॉइंट का है नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो अब क्योंकि मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो मुझे इस बटरफ्लाई को एक नो लॉस बटरफ्लाई बनाना है ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो गैप यहां पे 300 पॉइंट का है नीचे की तरफ इसको मैं और बढ़ा दूंगा। अभी ये 300 पॉइंट का गैप है, इसको मान लीजिए मैं 500 पॉइंट का गैप कर देता हूं तो आप देखिए पे ऑफ चार्ट में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो 17700 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय कर रखा है मान लीजिए इसको मैं चेंज कर देता हूं और 17500 का कॉल ऑप्शन में बाय कर लेता हूं तो आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं। 17700 की जगह अगर मैं 17500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं अब मेरी बटरफ्लाई है ये एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बन गई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले जहां मुझे 2200 रुपीस का लॉस हो रहा था वहां पे अब मुझे 1200 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड बटरफ्लाई को कन्वर्ट कर दिया है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई में। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका व्यू ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है तो आप नीचे की तरफ भी इसको नो लॉस बटरफ्लाई बना सकते हो, कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, मैं इसको वापस उसी पोजिशन पर ले आता हूं। ये मेरी स्टैंडर्ड बटरफ्लाई थी। अब मान लीजिए आपका व्यू ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मुझे नीचे की तरफ ये लॉस नहीं लेना है, इसको एक नो लॉस बटरफ्लाई बनाना है नीचे की तरफ, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो गैप है 300 पॉइंट का है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो जब मुझे ऊपर की तरफ नो लॉस बटरफ्लाई बनाना था तो मैंने क्या किया, नीचे की तरफ जो गैप था इसको मैंने वाइड कर दिया, पहले 300 पॉइंट का था उसको मैंने 500 पॉइंट का कर दिया। अब मुझे नीचे की तरफ इसको नो लॉस बटरफ्लाई बनाना है तो मैं क्या करूंगा 18000 से ऊपर जाऊंगा और 18000 से 18300 के बीच का जो 300 पॉइंट का गैप है इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं 500 पॉइंट का कर दूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं 18300 का जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है ये बाय ना करके मैं 18500 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूं और फिर आप देखिए पे ऑफ चार्ट किस तरह से बदलता है।
ये मैंने 18500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। और अब आप देखिए अगर मार्केट नीचे जाता है तो जहां मुझे 2200 रुपीज का लॉस हो रहा था वहां पे मुझे अब 750 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैंने पूरा लॉस हटा दिया है। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है नीचे की तरफ, 765 रुपीज का, ये मेरा फिक्स्ड प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में 15000 रुपीज का है। तो ये होगी एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। अब आपका सवाल होगा कि इसको हम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए जब ये एक स्टैंडर्ड बटरफ्लाई थी उस टाइम पे जो गैप था ये 300 पॉइंट का था। 17700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था, उससे 300 पॉइंट ऊपर जाकर मैंने 18000 का कॉल ऑप्शन सेल किया दो लॉट, और उससे 300 पॉइंट ऊपर जाकर 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया। तो मतलब जो स्ट्राइक्स के बीच में गैप था वो 300 पॉइंट का था। बीच में मैंने दो ऑप्शन सेल कर रखे थे और दोनों तरफ जो मैंने हेज बाय कर रखे थे वो मेरे 300 पॉइंट के डिस्टेंस पे थे। तो जो विंग्स थे बटरफ्लाई के वो दोनों इक्वल थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक साइड तो मैंने 300 पॉइंट का गैप रखा लेकिन दूसरी तरफ 300 ना रख के और 500 पॉइंट का गैप कर दिया है। तो अब जो विंग्स हैं ये अनइवन हो गए हैं। अब एक साइड का विंग है उसको मैंने ब्रेक कर दिया है, एक तरफ 300 पॉइंट का ही है एक तरफ 500 पॉइंट है। तो जो विंग पहले इक्वल डिस्टेंस पे थे अब वो अनइवन हो गए हैं, एक तरफ डिस्टेंस है वो कम है एक तरफ ज्यादा है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, कि जो बटरफ्लाई है उसके विंग को मैंने एक साइड ब्रेक कर दिया है एक साइड ज्यादा वाइड कर दिया है, तो इस वजह से अब इसका नाम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई है। तो ये होती है एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। और ब्रोकन विंग बटरफ्लाई ये बटरफ्लाई का एक एडवांस वर्जन है। तो अगर आप बटरफ्लाई के साथ फैमिलियर नहीं हैं तो अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप पेपर ट्रेड करके देखिए, क्योंकि एक तरफ आपका जो ट्रेड नो लॉस ट्रेड बन रहा है उसकी कॉस्ट ये है कि दूसरी तरफ आपका रिस्क है वो बढ़ रहा है। हालांकि ये एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी है, इसमें आपका लॉस है वो लिमिटेड रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी यहां पे आपका लॉस बढ़ रहा है। तो पहले आप बटरफ्लाई को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप ब्रोकन विंग बटरफ्लाई पे जाइए। ये बटरफ्लाई का एक एडवांस वर्जन है। और इसको आप यूज कब कर सकते हो, जब आपका मार्केट को लेके व्यू बदल जाए कि मार्केट अब मेरी रेंज को तोड़ के और ऊपर जा सकता है, मेरी बटरफ्लाई की जो रेंज है इसको तोड़ के मार्केट और ऊपर या नीचे जा सकता है, उस टाइम पे ये आप एज ए एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप अपनी बटरफ्लाई के विंग को ब्रेक करके और उसको नो लॉस ट्रेड बना सकते हो जिस तरफ आपका व्यू है कि मार्केट जाएगा। तो चलिए ये होती है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, और ये स्टैंडर्ड बटरफ्लाई का एडवांस वर्जन है। मैंने छोटी सी मॉडिफिकेशन ऐड की है, एक साइड की विड्थ को मैंने बढ़ा दिया है और इसीलिए इसका नाम है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। और इसको आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेड को एक तरफ नो लॉस ट्रेड बनाने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।